अरे तुम आ गई बेटी। हाँ बाबा। आपा आज आप बहुत जल्दी आ गए। हाँ बेटी तुम इतनी घबराई क्यों? बड़ा गजब हो गया बाबा, आज करंगी साहब ने सुल्तान के कासिम को गोली मार दी। अल्लाह खैर करे, सुबेदार साहब कुछ नहीं बोले? धीरे बोले बाबा, सुबेदार साहब फिरंगियों के इशारों पर नाच रहे हैं, इसीलिए तो सुल्तान का कासिम मारा गया। अब क्या होगा बेटी? जंग होगी, सुबेदार साहब बाकी हो गए हैं, सुल्तान उनकी सरकोबी के लिए बेगूर पर हमला करेंगे और फिरंगी बागियों की मदद करेंगे। ऐसे में हमारा यहाँ ठहरना बहुत खतरनाक है, सिरंगापट्टनम वाले सबसे पहले धरे जाएंगे। मगर बेटी अभी उस्ताद जी आते ही होंगे, आप असलम को लेकर उनके साथ रातों ही रात किसी तरफ भी निकल जाइएगा। तुम? मैं सिरंगापट्टनम जा रही हूँ। मगर बेटी जी। लेकिन किस तरह, किसके साथ? अकेले, किसी भी तरह। तू औरत जात और इतना लंबा सफर अकेले कैसे कर पाएगी मेरी बच्ची? अल्लाह मालिक है, कोई ना कोई सूरत तो निकल ही आएगी। नहीं, तुझे अकेले सिरंगापट्टनम जाने की कोई जरूरत नहीं, जिधर जाना है हम सबके साथ चलना। नहीं बाबा, मुझे अपना फर्ज पूरा करना है, अपने वतन को गुलामी से बचाना है, सुल्तान को यह खबर देनी बहुत जरूरी है, सुबेदार साहब फिरंगियों की मदद से सिरंगापट्टनम पर हमला करने वाले हैं। मेरी बच्ची, इतना बड़ा काम लड़कियों के करने का नहीं, अच्छे अच्छे बहादुरों का पुत्ता पानी होता है ऐसे काम में। तुम्हारी बेटी भी किसी मद से कम नहीं बाबा, रजिया सुल्ताना और चांद बेबी भी औरतें ही थी। अल्लाह तेरे नेक इरादों में तेरी मदद करे बेटी। आमीन। देखो बाबा, अब आप लोगों को बेबी में सूरज निकलते हुए नहीं देखना है, मेरे सिरंगापट्टनम जाने की खबर आप लोगों की मौत का पैगाम बन सकती है। मेरी फिक्र ना कर बेटी, हक की राह में घर बार आल औलाद कुर्बान करने वालों पर हमारा ईमान है। जा बेटी जा। दुआ करो बाबा, तुम्हारे खून की सुर्खी भी वफादारों की तारीख की रोशनी बन जाए। अल्लाह हर शय पर कादिर है बेटी, खुदा हाफिज। अच्छा बाबा, खुदा हाफिज। अच्छा बाबा, चलती हूँ। अल्लाह मेरी बच्ची को सलामत रखे। सुनो कौन है तू? अल्लाह की बंदी। यहाँ क्या लेने आई है? मुझे एक घोड़ा चाहिए। घोड़ा? हाँ। क्या करेगी? भाड़ में डालू या चूल्हे में फेंकू, तुझे इससे क्या? घोड़ा मुफ्त में नहीं मिलता। मैं कीमत देने के लिए तैयार हूँ। क्या देगी? ये ले। मगर मैं तुझे घोड़े दूं कहां से? सारे घोड़े तो दरोगा नूर खान के खाते में चढ़े हैं। तू कुछ भी कर, लेकिन मुझे एक घोड़ा चाहिए।
क्यों बे फजलू, ये सब क्या हो रहा है? दरोगा जी, वो मैं, ये लड़की घोड़ा चुरा रही थी। इसे सिपाहियों के हवाले कर दो। मैं चोर नहीं हूँ बाबा, मेरी मदद कीजिए, मुझे घोड़ा चाहिए। क्यों? मुझे एक जरूरी काम से श्रीरंगापट्टनम जाना है। घोड़ा चाहिए? श्रीरंगापट्टनम जाना है? फजलू जी। खान साहब, इसे गंगाधर वाला घोड़ा दे दे। मगर खान साहब, वो जो मैं कहता हूं उसे कर। जी खान साहब। मैं समझता हूं बेटी, तुम इस वक्त श्रीरंगापट्टनम क्यों जा रही है। खामोशी से निकल जा, और हां, अब किसी से न कहना तू कहां जा रही है। जी बाबा। दरोगा जी, घोड़ा। आओ बेटी। ये घोड़ा श्रीरंगापट्टनम से आया है, सीधा वहीं जाएगा। जाओ बेटी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। जीती रहो बेटी।
इसे अपने किए की सजा मिल गई है बेटी, बुरे काम का बुरा नतीजा। चलो मैं तुम्हें श्रीरंगपट्टनम पहुंचा दूं। आओ। ये लीजिए, अब आप अपने फजीन के खैर मनाइए। और आप अपना शाह बचाइए जो अब मेरे रहमो करम पर है। शाह अभी महफूज है, वैसे आप बहुत अच्छा खेलने लगी हैं। ये सब आपकी की सोहबत का असर है। क्या बात है, जैसे कि इस खेल में हम आपके उस्ताद हैं। हमने तो कभी आपको कुछ नहीं बताया, लेकिन मैंने तो आप ही की चालें देख देख कर मोरे बिठाने की मश की है। आप बहुत समझदार हैं, हमें आपका खेल देखकर बहुत खुशी हुई है। तस्लीम। रुखैया बेगम, अगर शतरंज को सिर्फ खेल समझकर ना खेला जाए बल्कि सबक समझकर गौर किया जाए तो बड़े काम की चीज है। इसकी बाजी दरअसल मैदान जंग का नक्शा है। इस खेल में जंगी चालों की महारत हासिल होती है। दुश्मन की फौजों का अपनी फौज के किस हिस्से पर दबाव ज्यादा है, उसका किस तरह मुकाबला किया जाए, दुश्मन के लश्कर के किस हिस्से पर जोर डाला जाए, किस तरह सिपहसालार या बादशाह को घेरा जा सकता है, मैदान जंग में सोचने के मौके कम और कर गुजरने के मौके ज्यादा होते हैं। सल्तनत के दूसरे कामों में जहां सोचने समझने का वक्त ज्यादा होता है वहां तो खूब तरकीबें और तदबीरें की जा सकती हैं। शायद इसीलिए शतरंज को शाही खेल कहा जाता है। शतरंज के हर घर हर मोहर पर नजर रखनी पड़ती है। हुकूमत और शतरंज का चोली दामन का साथ होता है। क्या चाहिए? मैं सुल्तान से मिलना चाहती हूँ। पहले हमारे दारोगा से मिलो। क्या बात है? मेरा नाम मुमताज है, मुझे सुल्तान से मिलना है। क्यों? एक बहुत जरूरी काम है। क्या जरूरी काम है? सुल्तान के सिवा किसी और को नहीं बताया जा सकता। सुल्तान ने हर जरूरत के लिए अलग अलग दफ्तर खोले हैं। तुम्हारी जो जरूरत हो उनके दफ्तर में जाकर अर्जी लगा दो, काम हो जाएगा। मेरा ऐसा कोई काम नहीं है, मुझे सुल्तान से मिलवा दो, उन्हीं का काम है। नहीं तो। नहीं तो क्या, चल भाग यहाँ से। हालत तो देखो, सुल्तान से मिलने के लिए आई है। मैं सुल्तान से मिले बगैर नहीं जाऊंगी। ए बुड्ढे, भेज दे इसे यहाँ से, वरना इसकी लाश ले जानी पड़ेगी यहाँ से। चल ले जा इसे, ले जा। चलो बेटी। यहां नहीं नजर आना, समझे? चलो चलो, और चलो। कोई मजबूर लड़की है, मुसीबत की मारी नानी होती है। किसी को पूछ कर उसे बुलवा लीजिए। किसी की फरियाद को पहुंचना सवाब का काम है। यकीनन कलमा खनी।
جی حکم. صدر دروازے پر جا کر پہرے داروں سے کہو ہمارے پاس فریاد لانے والوں کو ہم تک پہنچا دیا جائے. جو حکم. مجھ سے بھول ہو گئی، مجھے اس لڑکی کو گرفتار کر لینا چاہیے تھا. کیوں سردار؟ وہ جس گھوڑے پہ آئی تھی وہ گھوڑا مجھے گنگا دھر کا لگتا ہے. پھر تو ضرور کوئی گڑبڑ ہے. ذرا دیکھ تو وہ کس طرف گئی ہے. یہاں کا داروغا کون ہے؟ میں ہوں. ملکہ علی نے فرمایا ہے کہ ہمارے پاس آنے والے کسی فریادی کو روکا نہ جائے بلکہ ہم تک پہنچا دیا جائے. اگر کوئی آئے گا تو حکم کی تعمیل کی جائے گی. ٹھیک ہے. شمشو، اب یہاں خطرہ نظر آنے لگا ہے. میرا خیال ٹھیک ہی ہے. وہ لڑکی ضرور ڈیتھ نوٹ سے آئی ہے اور وہ گھوڑا یقیناً گنگا دھر کا ہی ہے. پھر ہم نے جس وفاداری کی قسم کھائی ہے اس کے ساتھ غداری نہیں کرنی چاہیے. تم ابھی اس وقت ڈیتھ روڈ کے لیے روانہ ہو جاؤ اور صوبے دار صاحب کو جا کر میرا سلام پہنچا کر عرض کرو کہ شاید مجھ پر شک کیا جانے لگا ہے. آپ ہوشیار ہو جائیے، اب میں آپ کو یہاں کی خبریں نہیں بھیج سکوں گا. اور سنو، اس لڑکی اور گنگادھر کا ذکر بھی کر دینا. ٹھیک ہے داروغا جی. کیا تم نے اس گھوڑے والی لڑکی کو دیکھا تھا؟ جی ہاں حضور، ایک ہلکی سی جھلک دیکھی تھی. خواجہ سرا محمود کو اس کا حلیہ بتا سکتی ہو؟ جی سرکار. جلدی کرو، سری رنگا پٹم کا کونا کونا چھان مارو اور اس لڑکی کو فوراً پائی باغ کے راستے سے ہمارے سامنے پیش کرو. جو حکم. داروغہ نرسنگھ راؤ کو اس لڑکی کے بارے میں جھوٹ بولنا اس بات کا ثبوت ہے کہ سازشیں ہمارے دروازے تک پہنچ گئی ہیں. چور کے ہاتھ کی طرح جھوٹے کی زبان بھی کاٹ دینی چاہیے. آپ ٹھیک فرماتی ہیں بیگم، ہر سازش ہوس کے پیٹ سے جنم لیتی ہے اور جھوٹ کی گود میں پلتی ہے. ہمارے دروازے پر آنے کی ضرورت؟ آپ کے حضور میں پیش ہونے کی تمنا. کس لیے؟ شیخ ایاز کی غداری کی اطلاع دینے کے لیے. کیا جانتی ہو تم؟ آپ کے قاصد گنگا دھر کو قتل کر دیا گیا ہے. شیخ ایاز اور ایک فرنگی افسر مل کر آپ کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. فرنگی افسر کا نام؟ جنرل میتھیوز. یہ سب تمہیں کیسے معلوم؟ یہ سب آنکھوں دیکھا ہے سلطان، کانوں سنا نہیں. ثبوت؟ آپ کے قدموں کی قسم سے بڑھ کر کوئی ثبوت نہیں. کنی سرنگا پٹم کی رہنے والی ہے. دو ماہ سے شیخ ایاز کے بلاوے پر بیدنور میں اپنے ناچ اور گانے سے ان کا دل بہلا رہی تھی. اس رات جب آپ کے فرمان کی توہین ہوئی اور قاصد کا قتل ہوا، اسی رات میں اس محفل میں موجود تھی. تم یہاں کس طرح پہنچے؟ اسی رات سرکاری استبل سے گنگا دھر کا گھوڑا حاصل ہو گیا اور وہ کنیز کو یہاں تک لے آیا. تم وفادار بھی ہو اور بہادر بھی. وطن کی محبت اور سلطان سے عقیدت نے بنا دیا. ہمارے پاس رہو گی، کنیز کے لیے خوش نصیبی ہوگی. ان کے رہنے کا انتظام کر دیا جائے.